क्या बोल दी पब्लिक, वेलकम टू टेक 68। दोस्तों बहुत सारे लोगों को अपना वीडियो को प्रमोट करना होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे वो अपने वीडियो को प्रमोट करें। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल एड्स को यूज़ कर सकते हो। गूगल एड्स के थ्रू आप अपना वीडियो प्रमोट कर सकते हो मैक्सिमम प्लेसेस पे, यूट्यूब पे कर सकते हो, उससे एफिलिएटेड जितनी अदर जगह है वहाँ पर भी आप प्रमोट कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख लेते हैं स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप अपना वीडियो YouTube पे प्रमोट कर पाएंगे। देखते हैं स्टेप्स। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपको लॉगिन करना होगा आपका जीमेल अकाउंट। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है, आपको भी वो करना होगा। एक बार आपने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लिया, उसके बाद सर्च करना होगा गूगल ऐड करके। जब ये आप सर्च करोगे तो आपको उसके रिजल्ट में जो पहली लिंक मिलेगी उस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो साइन इन और गेट स्टार्टेड, दो ऑप्शन आपको मिल रहा है। साइन इन आप तब करोगे जब आपने लॉगिन नहीं किया हो, लेकिन हमने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है इसलिए हमें साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे आप तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैंने पहले से एड्स दी है, इसके मैट्रिक्स हमें दिखा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होगे तो आपको ये नहीं दिखाएगा। तो आपको क्लिक करना है न्यू कैंपेन पे। एक बार आपने न्यू कैंपेन पे क्लिक किया, उसके बाद हमें क्लिक करना है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडेंस, और हमें सिलेक्ट करना है वीडियो। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद कस्टम वीडियो कैंपेन पे ही क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आप देख सकते हो कैंपेन नेम, अगर आप चेंज करना चाहते हो कैंपेन नेम तो चेंज कर सकते हो, मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिड स्ट्रेटजी देखते हैं। बिड स्ट्रेटजी में कोई चेंजेस नहीं करना है, उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। बजट डेट्स इसमें चेंजेस करेंगे, बजट में हम 500 अमाउंट डालने वाले हैं। स्टार्ट डेट और एंड डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेटवर्क्स में जाएंगे और वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क इसे अनचेक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सिलेक्ट की है बिकॉज ये मेरी होम कंट्री है। अगर आपको और कोई कंट्री से आप वीडियो देख रहे हो तो आपको वो कंट्री यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप मैन्युअली डालना चाहते हो कंट्रीज़ के नेम तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज मतलब ये वीडियो पूरे दुनिया में दिखनी चाहिए तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया को सिलेक्ट करूँ। अब देखते हैं लैंग्वेजेस में। लैंग्वेज में आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। मैं हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अगर उर्दू, गुजराती, मराठी जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। इन्वेंट्री टाइप में कोई चेंजेस नहीं करना है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री पे रहने देना है। एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेबल्स में आ जाओ और उसमें एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस और कंटेंट नोटेड, ये तीनों को चेक कर लेना। चेक करने के बाद रिलेटेड वीडियोस को जाना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। डिवाइसेस में आते हैं, यहाँ पर आने के बाद सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स को चेक रखना है और बाकी सबको आपको अनचेक कर देना है। इसका मतलब हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स में ही इसकी एड आने वाली है और कोई अदर डिवाइस जैसे कंप्यूटर, टैबलेट या टीवी स्क्रीन पे नहीं आएगी। आगे बढ़ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी कैपिंग पे आते हैं। इसमें कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, एक नंबर डालेंगे और हम इसे पर डे, पर वीक और पर मंथ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो वीडियो है वो पर वीक सेम यूज़र को एक ही बार दिखाएगा। ये होने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, एड शेड्यूल ऑल डे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। थर्ड पार्टी मेजरमेंट नन। एड ग्रुप नेम में भी कोई चेंजेस नहीं करना है। अब आ जाते हैं डेमोग्राफिक्स पे। डेमोग्राफिक्स पे यहाँ पर आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है तो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेल, फीमेल, अननोन, आपको एज, कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना है आप उसमें डाल सकते हो। पेरेंट, ये सब आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो, अनचेक करना है तो कर सकते हो, ये आपकी स्ट्रेटजी पे है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई चेंजेस में नहीं कर रहा हूँ। ऑडियंस सेगमेंट
यहाँ पर अगर आपको कोई चेंजेस करना है, जैसे ये ऐड जो है वो कौन से सेगमेंट के लिए, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया है मोबाइल एंथुजियास्टिक, आपको और कुछ सिलेक्ट करना है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट ये डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने देते हैं। इस सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पर डालना होगा उस वीडियो की लिंक जिसे आपको प्रमोट करना है। तो मैं अपना चैनल ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, वहाँ पर जाने के बाद मैं इसकी जो लिंक है उसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। डिटेल आ गई, इसके बाद देख लेना कि आपका वीडियो ही है। हाँ, ये मेरा ही वीडियो है। ये आने के बाद मैं क्लिक करूँगा इन फीड वीडियो ऐड, जो इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर आप हेडलाइन डाल सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, जो इसका सेम जो मैंने दिया है वही डाल दूँगा। ये डालने के बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप सेम डाल सकते हो, और अगर आप कोई दूसरा डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं जो मेरी टाइटल है उसे ही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन वन में ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा इसमें एडिट करके तो रेंज में लाऊंगा, और डिस्क्रिप्शन टू में भी मैं ये डिटेल डाल देता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद एड नेम अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसे बाय डिफॉल्ट रहने देना है। अब आते हैं हम बीडिंग पे। बीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा स्टार्ट करना है मिनिमम से 0.10 पैसे से। इसका मतलब ये है कि 0.10 पैसे पे आप दोगे, एक व्यूज के लिए आप पैसा दोगे। ठीक है, हमेशा कम से स्टार्ट करना है। हो सकता है कि इसमें आपको कोई व्यूज़ ना मिले, जब व्यूज़ ना मिले तो आपको इसको स्लोली इंक्रीज़ करना है। इनिशियली आप उसे 0.10 से स्टार्ट करो। यहाँ पर देखो गूगल सजेशन दे रहा है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले आप कम मैक्सिमम CPV बीट करो, उसके बाद आप स्लोली इसको इंक्रीज़ करना। ये होने के बाद आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और आपका कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपने क्रिएट कैंपेन किया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर कैंपेन इज़ रेडी करके आ जाएगा। इसका मतलब आपका कैंपेन जो है वो लाइव नहीं हुआ है, लेकिन आपने क्रिएट कर दिया है। पहले क्या होगा, सबसे पहले वो रिव्यू में जाएगा, रिव्यू पास होने के बाद कैंपेन लाइव होगा। एक दोस्तों याद रखना, अगर आपको व्यूज़ कम मिल रहे हैं तो आप उसका जो मैक्सिमम CPV बिड है उसे इंक्रीज़ करते रहना। इस तरह से दोस्तों आप अपना वीडियो प्रमोट कर सकते हो गूगल एड्स को यूज़ करके। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना वीडियो प्रमोट कर सकते हो गूगल एड्स के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू।